की मानसून सत्र में पेश होने वाली मेडिकल बिल के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज ज्ञापन सौंपा और इस बिल को लागू नहीं किए जाने की मांग की। एक मिनट, सबको आज सेट करवा रहे हैं, ठीक है? थैंक यू दादा जी। तो थोड़ा ब्रेक कर दो, मतलब एमसी है उसको कन्वर्ट करके एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन जो मंथली रिपोर्टिंग पेश होने जा रहा है उससे रेस्ट में आता है। आइए मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया आज मॉर्निंग 6 से 7 शाम को 6 बजे तक के लिए पॉबर्टी बन रखी विरोध में, उसके विरोध में धिक्कार दिवस के रूप में, और जो मेमोरेंडम में क्यों कारण से हमने लिए ये उसका मेमोरेंडम है माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय के लिए सारे आई एम एम्बर्स के लिए। तो इसके अध्यक्ष कौन है? ये ये ज्ञापन जो है इंडिया गवर्नमेंट नेशनल मेडिकल कमीशन बिल मानसून सत्र में पेश कर रही है, जिसका कि पूरे भारत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसका विरोध कर रही है। क्यों कर रही है विरोध? क्योंकि उसमें कुछ खामियां ऐसी हैं जो कि सामान्य चिकित्सक बनाने में या बनने में ऐसी कुछ चीज़ कमियां रखी हैं उन्होंने, जिसका विरोध ये कर रही है। जैसे कि प्राइवेट कोटा मेडिकल कॉलेज में बढ़ा देना, और मेडिकल काउंसिल में जो है डॉक्टर्स की भागीदारी ज़्यादा रहती थी तो उनकी भागीदारी कम करना, एमबीबीएस के बाद में एमबीबीएस की प्रैक्टिस करने से पहले एक एग्ज़ाम लेना जो कि पहले कभी होता नहीं था, अब उसका एक एग्ज़ाम का प्रावधान रखा है। क्योंकि जब एक बार एमबीबीएस अगर किसी स्टूडेंट ने कर लिया है तो अपने आप में इतना सक्षम हो जाता है कि वो प्रैक्टिस कर सकता है, उसके लिए अलग से एग्ज़ाम जो अपॉइंट किया उसके विरोध में है। दूसरा ये है कि हर जिले हर स्टेट से एक एक प्रतिनिधि होना चाहिए, उस प्रतिनिधि को न लेकर इन्होंने कुछ एरिया वाइज प्रतिनिधि लिए हैं जो कि अपनी बात पूरी रख नहीं सकते और अपनी डॉक्टरों की क्या समस्याएं हैं वो पूरी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसके विरोध में आज विदिशा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सेंट्रल आईएमए के साथ मिलकर आज हमने ये जो सुबह ओपीडी बंद रखने का जो आह्वान किया है हमारे सभी चिकित्सकों से, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक का बंद का आह्वान रखा है हमारे।